नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सभी भगवान श्री गणेश जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर से लिखें जय श्री गणेश। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विनायक चतुर्थी की कथा और पूजा विधि। हिंदू पंचांग में महीने में दो चतुर्थी आती है और इस तिथि को भगवान गणेश की तिथि माना जाता है। अमावस्या के बाद आने वाले शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो होती है वह विनायक चतुर्थी होती है और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की जो तिथि आती है, चतुर्थी आती है, उसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग जो संकष्टी चतुर्थी की पूजा करते हैं और कुछ लोग विनायक चतुर्थी की पूजा करते हैं। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इन तिथियों पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से सारे संकट टल जाते हैं और घर में सुख समृद्धि होने के साथ ही यश की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री गणेश पर आस्था रख के इस व्रत को करना चाहिए। इससे जीवन की सारी बाधाएं, कष्ट, चिंता जो है, विघ्न विनाशक जो है, वो हर लेते हैं। दोस्तों, पहले सुन लेते हैं विनायक चतुर्थी की कथा। दोस्तों, विनायक चतुर्थी की कथा सुनने के पहले अपने हाथ में 7 या 13 दाने गेहूं के आपने लेकर फिर कथा सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी की पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिवजी और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से 3 बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला कहने को कहा तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि ये मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो और ऐसा करने से तुम मुझसे प्राप्त करोगे। और ये कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर रह सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल, लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया और व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए और उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। और इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय।
दोस्तों नॉर्मली किसी भी व्रत की पूजा जो होती है या तो सुबह के समय होती है या फिर शाम के समय, लेकिन विनायक चतुर्थी का जब आप व्रत करते हैं तो गणेश जी की पूजा आपने एक बार दोपहर में और एक बार मध्याह्न में करनी होती है। सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर आपने लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए इस दिन, साथ ही सुबह में संकल्प लेने चाहिए आपका व्रत का, और उसके बाद में दोस्तों आपने भगवान गणेश का स्मरण करते रहना है पूरे दिन। ओम गं गणपतये मंत्र का आपने मन ही मन जाप करते रहना चाहिए, और दोपहर की पूजा के लिए आपने एक चौकी जो है पूजा स्थल के पास में लगा लेनी है, उसके ऊपर आपने लाल कपड़ा बिछाना है, उसके बाद में गणेश जी की प्रतिमा को आपने स्थापित करना है, और गणेश जी के सामने आपने जटा वाला नारियल और मोदक जो प्रसाद के रूप में जरूर से रखना है। इसके साथ ही दोस्तों आपने एक कलसी या एक कलश या लोटी कोई भी जो है उसको जल से भर लेना है, उसके अंदर आपने अक्षत या फिर गेहूं के कुछ दाने डाल देने हैं, और कलश के गले में आपने कलावा बांध देना है, और साथ ही कलश पर आपने 13 बिंदियां जो है वो अंकित कर देनी है, और उसके बाद में गणेश जी की आपने पंचोपचार पूजा करनी है, यानी गणेश जी को रोली मोली चंदन गंध धूप दीप और नैवेद्य दिखाकर आपने पूजा कर लेनी है, और गुलाब के फूल और दुर्वा जो अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आपने जरूर से चढ़ानी चाहिए दोस्तों। और जब भी आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं तो बहुत ही अंदर की जो सॉफ्ट दुर्वा होती है उसको बिन करके आपने गणेश जी को चढ़ाना चाहिए, इससे गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों पूजा कंप्लीट करने के बाद में ओम गं गणपतये मंत्र का आपने कम से कम 27 बार जाप करना है, और फिर धूप दीप अर्पित कर देनी है। भगवान गणेश जी को आपने मोदक का जो है वो जरूर से भोग लगाना है, उसके बाद में गणेश जी की आरती कर लेनी है, और इसी तरह से पूजन अर्चन कंप्लीट करके गणेश जी की कथा आपने सुन लेनी है। और दोस्तों कथा सुनने के बाद में आपने जय श्री गणेश जरूर से बोलना है, और जो अक्षत आपने लेकर कथा सुनी है उन्हें आपने अच्छे से संभाल कर रख देना है। जब शाम को चांद निकले उस समय आपने उन्हीं अक्षत या फिर जो गेहूं के दाने उन्हीं की सहायता से आपने अर्घ्य देना है, और साथ ही दोस्तों जब आप अर्घ्य दें तो चंद्रमा की पूजा भी आप जरूर से करें। जो भी चीज़ आपने नैवेद्य के रूप में बनाई है मोदक या गुड़ या कोई भी चीज़ उसका वो आपने चंद्रमा को भी लगाना चाहिए, और रोली और चावल अर्पित करके चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद में अपने घर के सभी बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, बायना निकाल कर अपनी सासू माँ को देना चाहिए, साथ ही बायना कभी खाली हाथ नहीं देना चाहिए, आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ रुपए जो है अपने सामर्थ्य और अपनी इच्छा के अनुसार जरूर से रखकर अपने घर में अपनी सास या कोई भी बड़ा घर में हो तो उनको जरूर से देना चाहिए, और अगर घर में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है जिसके आप पैर छू के दें तो आप मंदिर में भी दे सकते हैं, आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग महिला हो तो उनके भी पैर छू के बायना जो है उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने विनायक चतुर्थी की पूजा कर लेनी है। साथ ही उसे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर से लिखें जय श्री गणेश।